नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है, वो लोग जो कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आई हुई हैं तो उनको किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे लोग हमको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ता है, उनको वन बाई वन एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपकी जितनी भी इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो सभी की सभी एक्सेप्ट हो जाएंगी। ओके, तो गाइज, आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में गाइज इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकली वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले गाइज आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते हो तो ये 99 से भी ऊपर हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर सी ऑल 99 पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं। ओके, अब एक तो दोस्तों ये तरीका है कि मैं इन सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगा कन्फर्म, हर एक कन्फर्म बटन पर क्लिक करके, लेकिन इससे तो भाई जैसे 100 से ऊपर हैं तो मेरे को 100 बार क्लिक करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इन सभी जो हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं, जो फॉलो रिक्वेस्ट आई हुई हैं, इनको एक्सेप्ट करना है सिर्फ और सिर्फ एक बटन को क्लिक करके। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, बैक आना है, यहाँ से बैक आते हैं। मैं आपको ये अकाउंट दिखा देता हूँ पहले, ये एक भाई का अकाउंट है, उन्होंने मेरे को दिया है, ठीक है। जैसे कि ये 75.4K फॉलोवर हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर आते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लगभग 99 से ऊपर ही हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर 75.4K है, मतलब 75,400 हैं, ठीक है, 75,000 हैं ये, ठीक है। तो अब जैसे 100 से ऊपर एक्सेप्ट हो जाएंगी तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से मेन पेज पे आना है, जिस भी अकाउंट में आप कर रहे हो, उसके बाद में यहाँ पर ऊपर तीन लाइन आती है, उस पर टैप करना है। उसके बाद में गाइस आपको आना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, और आपको मिलेगा हु कैन सी योर कंटेंट, कि आपके कंटेंट को कौन देख सकता है। इसमें है अकाउंट प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में है प्राइवेट अकाउंट। तो दोस्तों ये प्राइवेट अकाउंट है, अगर ये पब्लिक अकाउंट होता तो कोई भी इस अकाउंट को जब फॉलो करता तो ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेता, ठीक है, एज ए रिक्वेस्ट आती ही नहीं। तो अब ये अकाउंट गाइस प्राइवेट है, आपको क्या करना है, जिस किसी भी अकाउंट पर अगर आपके पास में काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं और आप उन सभी को एक साथ में ही एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपका जो प्राइवेट अकाउंट है इसको आपको क्या करना होगा, इसको पब्लिक करना होगा। और जैसे ही आप पब्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो सभी की सभी एक्सेप्ट हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन योर अकाउंट इज़ पब्लिक योर प्रोफाइल एंड पोस्ट कैन बी सीन बाय एनीवन ऑन और ऑफ इंस्टाग्राम इवन इफ दे डोंट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। और दूसरा लिख रखा है, व्हेन योर अकाउंट इज़ प्राइवेट ओनली द फॉलोवर यू अप्रूव कैन सी व्हाट यू शेयर इंक्लूडिंग योर फोटो और वीडियोज और हैशटैग एंड लोकेशन पेजेस, ठीक है। तो भाई अगर प्राइवेट रहेगा तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं वही आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख पाएंगे, और जो अगर आप पब्लिक करके रखते हो तो अगर कोई व्यक्ति अगर इंस्टाग्राम पर नहीं भी है वो आपका इंस्टाग्राम के लिंक को, वेब लिंक को ओपन करके डायरेक्टली आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, रील्स हैं, उन सबको देख सकता है। तो आपको करना क्या है, इस प्राइवेट अकाउंट को आपको ऑफ़ कर देना है यहाँ से, इस पर क्लिक करके। इसके बाद में ये पूछेगा स्विच टू पब्लिक अकाउंट, क्या आप पब्लिक अकाउंट में स्विच करना चाहते हो, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है स्विच टू पब्लिक अकाउंट। ओके, तो बैक आते हैं, दोबारा से बैक आते हैं और फिर होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद मैं गाइज आपको दोबारा इस हर्ट वाले बटन पर आना है। हर्ट वाले बटन पर आने के बाद मैं गाइज आपको इस तरीके से रिफ़्रेश करना है। देखिए जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया है तो देखिए 5 सेकंड पहले इसने ऑटोमेटिकली स्टार्टेड फॉलोइंग आ गया, इस व्यक्ति का आ गया, 5 सेकंड पहले इसने फॉलो किया है, इसने 5 सेकंड पहले फॉलो किया है। देखिए इन सभी व्यक्तियों ने 5-5 सेकंड पहले, किसी ने 16 सेकंड पहले इस तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, देखिए तो ये सभी के सभी लोगों ने ऑटोमेटिकली फॉलो कर लिया है। अब इनका जो अपडेट है वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, हमारे फॉलोवर बढ़ चुके हैं, तो मेन पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो देखिए 75.4, ये थोड़े कम होंगे इसलिए नहीं बढ़ पाए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितने लोगों ने अभी फॉलो किया है,
ये इतने लोगों ने अभी फॉलो किया है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से गाइज आप क्या कर सकते हो, आपकी जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं उन सभी को एक ही बार में एक्सेप्ट कर सकते हो। अब दोबारा से मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ ये देखने के लिए क्या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट बची तो नहीं है, ठीक है। बैक आते हैं, होम पर आते हैं, इसके बाद में यहाँ दोबारा आते हैं हर्ट वाले बटन पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट बची हुई थी जो कि रह गई थी। ओके, तो इस पर जाते हैं और इसको मैं अपने आप इसको कर देता हूँ। बैक आते हैं, अब यहाँ पर कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं बची है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, देखिए ये 75.4 की जगह 5 हो गया है, ठीक है। लगभग इसमें 100 से ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी हैं एक ही बार में, ठीक। तो इसका गाइज फ़ायदा ये हुआ है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट से पब्लिक करना है। और जैसे ही हम उसे पब्लिक कर देंगे तो पब्लिक करने के बाद में गाइज ये होगा कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो सभी की सभी एक बार में एक्सेप्ट हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अभी कुछ टाइम बाद में जो मेरा पुराना चैनल है द अमित पांचाल इस पर भी काम करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर काम करने का एक अच्छा खासा रीज़न मेरे को मिल चुका है, ठीक है। और उस पर भी एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैंने काफ़ी सारी गूगल से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जीमेल से टू मनी फेल्ड अटेम्प्ट वाली भी वीडियो बनाई है। और इस अकाउंट जो ये था अमित पांचाल यूट्यूब चैनल है, इसमें जो एरर था वो लगभग सॉल्व हो चुका है, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम मिलने दो, आएगी। अब मैं जो मेरे दोनों चैनल हैं इन पर रेगुलर वीडियोस आपको देता रहूँगा, तो आप कनेक्टेड रहना। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ जाके आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है और ऐसे में आप वीडियो को मिस कर देते हो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइज, लव यू एंड